आज देश के अंदर एक बड़ा चमत्कारिक चमत्कार का प्रचार का समय चल रहा है, चाहे कथाओं में हो चाहे मंदिरों में हो, ऐसा करो तो ये फल मिलेगा, ऐसा करो तो ये करो। मुझे लगता है कि अपने इस बुंदेलखंड के अंदर, कम से कम मैं कहूँ तो, यह एक ऐसा स्थान है कि जहाँ किसी चमत्कार का दावा नहीं किया जाता, जहाँ किसी भी तरह का लोक लुभावन या कुछ भी दिखावा नहीं किया जाता। उसके बाद भी इस क्षेत्र की और बहुत दूर दूर से लाखों संख्या में भीड़ होगी। हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज में आपका स्वागत है। स्वागत कर रहा हूँ मैं हनुमान जी के मंदिर से, इटरा वाले हनुमान जी के नाम से ये मंदिर फेमस है। यूपी के हमीरपुर में, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये मंदिर है और यहाँ पर कल मंगलवार है, कल यहाँ पर कल एक बहुत बड़ा मेला लगता है। आसपास के एरिया के न सिर्फ बल्कि दूर दूर के लोग जिनकी यहाँ पर आस्था है, क्योंकि आस्था का केंद्र है ये मंदिर, तो यहाँ पर लोग आते हैं। कल यहाँ मेला लगना है कार्तिक पूर्णिमा के बाद, जो भी मंगलवार पड़ता है, क्योंकि अभी हाल ही में कार्तिक पूर्णिमा गई है, तो जो भी मंगल पड़ता है उसमें यहाँ पर मेला लगता है। 7 दिन की यहाँ भागवत कथा हुई थी, उसका आज विश्राम हुआ है। कल यहाँ मेला लगेगा और कल और परसों भंडारा रहेगा। तो मेले की तैयारियां चल रही हैं उत्सव की, और फूल मालाओं लाइटों से इस मंदिर को, इसको सजाया जा रहा है। सुबह हनुमान जी की आरती पूजा और उनका जो अभिषेक होगा आज पंचामृत अभिषेक, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग 3:30 बजे शुरू करेंगे और 4:30 बजे आरती करेंगे। आज ही एक विचार बना था कि हम लोग यहाँ अभिषेक में कुछ विशिष्ट करें, तो महाराज जी ने कहा नहीं, अपन को दिखावा नहीं करना है, किसी भी तरह का अपन को कोई दिखावा नहीं करना है, अपन को यहाँ खाली श्रद्धा में भक्ति में पूजा करनी है। और आप देखेंगे 2 बजे रात से यहाँ पर पूजा में इतनी जनता, इतनी भीड़ आना शुरू हो जाती है कि 2 बजे से ही हम लोगों को 4 बजे तक रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जहाँ तक हम लोगों ने सुना है कि हनुमान जी महाराज पाताली हनुमान जी, आपको काफ़ी समय पहले कुछ लोगों ने, यहाँ एक झाड़ी थी और झाड़ी में ही हनुमान जी महाराज विराजमान थे। 500 वर्ष पुराना ये स्थान है और यहाँ पर ये जो भक्त हैं, महाराज ये झाड़ी थी यहाँ स्थान पर, फिर संतों की दृष्टि पड़ी भक्तों की और हनुमान जी महाराज का प्रयास किया गया मंदिर बनाने के लिए, पहले भी भक्तों के द्वारा, कि हनुमान जी को ऊपर लाया जाए। तो ऐसा सुनने में आता है कि हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा कि वो विग्रह कहाँ तक है, ऐसा लोग नहीं समझ पाए। सीताराम स्वामी जी कहाँ से पधारे स्वामी जी? महाप्रसाद हो गया अभी? नहीं अभी नहीं। अच्छा अब हो गया, ठीक चाय चल रही है। हाँ चाय पीने का ले लिया स्वामी जी। आप कहाँ से पधारे स्वामी जी? कब सुना थे? अच्छा ये भंडार कक्ष और ये हमारे बाबा। अम्मा बहुत मोटी मोटी रोटी है, टिक्कड़ है क्या? महात्मन की टिक्कड़। फिर आपका प्रसाद भी यही होता है? कहाँ से, किस गांव से हैं आप लोग? डेली अप डाउन है कि यहीं रहती हैं? नहीं, दस दिन यही। अच्छा आज कल परसों। जो लोग यूपी से बाहर से देख रहे हैं तो वो समझ सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी अब आग की जरूरत पड़ने लगी है। अम्मा इतनी ठंड तो नहीं पड़ रही कि आग ताप रही हैं? पानी में हाथ रहते हैं इसलिए। अच्छा, चूंकि इनका बर्तन धुलने की सेवा है इनकी, तो हाथ ठंडे हो जाते होंगे इसलिए। रोटी राम बाबा, गजानन महाराज जी, और अभी वर्तमान में यहाँ पर एक संत के और दर्शन कराते हैं, मौनी बाबा। यहाँ की व्यवस्था में उनका बहुत अहम सहयोग रहता है। तो आ जाए स्वामी जी। स्वामी जी प्रसाद हो गया, महाप्रसाद अभी शाम का। और यहाँ की जो व्यवस्था में जिन लोगों का अहम रोल रहता है उसमें कमलेश यादव जी हैं। चाचा जी ठीक है, कंट्रोल में मामला या नर्वस है कल के लिए? नहीं कंट्रोल में है, सब व्यवस्था बढ़िया है। ये हमारे पूरा भैया, आइए भैया, आइए तो भीतर आइए, आइए आइए भीतर आइए। ये सभी लोगों का बहुत सहयोग है। ये हमारे भूरा भैया हैं और ये लाला महाराज हैं, ये हमारे काजू भैया हैं। आप मतलब समझ सकते हैं कि जैसे जैसे शाम देर रात हो रही है तो जो कोर टीम है इस कमेटी की वो लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, क्योंकि कल बड़ा प्रोग्राम है। तो जब बड़ा प्रोग्राम होता है तो
जो आयोजक हैं कहीं ना कहीं भले ही बहुत ही पवित्र स्थल है और करने वाला परमात्मा है, फिर भी आयोजकों के मन में धक धक होने लगती है। उसी का वो प्रभाव है कि सब लोग एक एक करके इकट्ठा हो रहे हैं। सरकारी मदद नहीं है, न किसी संस्था के द्वारा आता, न यहाँ पर कोई संस्था बनी हुई है। ये सब यहाँ के हनुमान जी की कृपा और मान जी की कृपा से होता है। ये देखिए गायों की कितनी बढ़िया सेवा यहाँ पर, और यहाँ पर हैं क्योंकि मच्छर ना लगे इसलिए ग्रीन कलर वाली ये मैटी डाली हुई है चारों तरफ से, और सर्दी भी ना लगे, और ये गर्मियों में ये कूलर है तो कई सारी गायें हैं, तो ऐसे गौ सेवा यहाँ पर होती रहती है। तो ये है, अब चलते हैं आपको एक संत के दर्शन कराते हैं। बहुत ही विरक्त संत हैं और पूरे दिन मतलब बामुश्किल वो साधना से बाहर निकलते हैं, संसार से निर्मोही हैं वो बहुत, और साधना में तल्लीन रहते हैं। तो अगर देखते हैं, अगर दरवाजे खोल देंगे तो दर्शन हो जाएंगे। और देखिए कैसे कैसे संत हैं हमारे सनातन परंपरा में। आ जाएं स्वामी जी, कल मेले में तो कुछ रहेगी व्यस्तता या कल भी साधना ही रहेगी? ये साधना में ही रखते हैं। अच्छा हाँ, इनको जो बड़े बड़े? जो खाने के लिए भी ये नहीं कुछ बोलेंगे, ना पीने के लिए कुछ बोलेंगे, इनको कोई दिक्कत हो उसके लिए भी नहीं कहेंगे। देखिए इसमें प्रसाद पाते हैं, देख लीजिए कितना सादा जीवन है। प्रणाम स्वामी जी। और ये हमारे मित्र, आज हमने कहा व्लॉग बनाते हैं इस समय। वैसे तो अगर आप रेगुलर देख रहे होंगे तो मेरी जो है हेमकुंड साहिब की सीरीज चल रही है, लेकिन चूंकि यहाँ पर मेला पड़ गया, ये हमारे गांव, मेरा जो घर है वहां से 5 किलोमीटर है ये जगह। यहाँ के जो मुख्य कर्ता धरता है, यहाँ के महंत हैं बलराम बाबा जी, उनको हम लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन विरक्त संत हैं, बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, तो वो मिलते हैं तो उनसे बात करते हैं। आटा पीस रहता है, ये दिखाएं, इतना बड़ा आश्रम है और उसके महंत हैं और आटा पीसने में लगे हैं, तो लेकिन बहुत गुस्सा आता है उनको, बहुत विरक्त संत हैं, तो उन्होंने गेट बंद कर दिया, तो चक्की ना दिखाएंगे आपको। स्वामी जी पिस गया आटा? आप पिस रहे हैं अभी तो। सनातन परंपरा में अक्सर ये संतों पर महंतों पर ये आक्षेप लगता है कि वो लग्जरी जीवन जीते हैं। आपने देखा कि इतनी बड़ी व्यवस्था हो गई और इतना सिद्ध स्थान है, वहाँ के महंत खुद अकेले उस रूम में आटा पीस रहे थे। अब हम वो बाहर आए तो वो दो बच्चे वहाँ पर आटा पीसने गए हैं। बाबा जी बहुत देर से आपको ढूंढ रहे थे, तो व्यवस्था में बिजी थे? ठीक है, क्या तैयारियाँ हैं कल की स्वामी जी? अब मेले की तैयारी है। अच्छा, उसी में भंडारे के लिए आटा पीस रहे थे। हाँ देखा हमने। तो मेला घूमा है, कैसा लगा है व्यवस्था? बहुत बढ़िया, पूरी व्यवस्था, सब लड़के लगे हैं। कैसे उस चीज की शुरुआत हुई कि आपको इतने सिद्ध स्थान का सेवा का अवसर मिला आपको? तो उनकी कृपा हुई, लोगों ने मेरे को बुला करके लाए यहाँ। अच्छा, मैं यहाँ टीला में चतुर्मास कर रहा था, वहाँ लोग गए, विनय किए, नम्रता से कहा आप रहिए आश्रम में, हमने कहा हम रहेंगे तो अपने पूर्णतया अपने जिम्मेदारी में रहेंगे, किसी के हमारे ऊपर शासन नहीं रहेगा। आज भी वही हाल है, चल रहा है बढ़िया। संत पर किसी का शासन रहना भी नहीं चाहिए? हाँ, ये नहीं कि भाई ये चीज नहीं है, ये ऐसा कैसे किया, ये नहीं होना चाहिए, हम अपने मन का करेंगे। हाँ गलत करें तो टोक। स्वामी जी कितने कुंटल का भंडारा है कल का? फिर कल होगा 10-15 कुंटल का लगभग, अभी जुड़े हैं तो धीरे धीरे करने लगे, नहीं वो तो सब व्यवस्था आश्रम से होती रही है। सारा कुछ उनका, लेकिन एक खास बात है कि ये अपने हाथ से पैसे नहीं छूते। अच्छा, विशेष बात ये है, पैसे नहीं छूते ना, एक रुपए ना तो पैसे छूते हैं ना एक रुपए लेते हैं। अच्छा, उसके लिए हम सारे सेवक तत्पर रहते हैं। अरे वाह।
स्वामी जी देखते देखते विस्तार हो गया मंदिर का, विस्तार किया गया ना जी, कोरोना काल में थोड़ा सा गति स्लो हो गई थी, अभी फिर से हो गया क्योंकि कल बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ होती है। तो यहाँ में जो संबंधित थाना लगता है वहाँ के थाना इंचार्ज भी आ गए हैं, सुरेंद्र यादव जी। सर कल की व्यवस्था को लेकर के आए हैं आप देखने? व्यवस्था हमने देख लिया है, ड्यूटी प्वाइंट निर्धारित कर लिए गए हैं और सारी ड्यूटियां लग चुकी हैं, जन सहयोग और पुलिस के जो ड्यूटी है संपादित कायदे संपादित हो जाएगी, सकुशल संपन्न हो जाएगा और बाबा का आशीर्वाद हनुमान जी का तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। हनुमान जी के होगा ये भी हैं। अच्छा, देखते देखते यहाँ पर बहुत वाहन बहुत ज्यादा हो जाते हैं और रोड उतनी चौड़ी नहीं है, तो ट्रैफिक की क्या मेन व्यवस्था है? पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन जो खेत हैं आसपास के वो बो दिए गए हैं, मतलब उसमें अनाज डाल दिया गया है और उनपे बैरिकेटिंग कर दी गई है। अच्छा। तो पार्किंग व्यवस्था बहुत नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट करके गांव वालों से रिक्वेस्ट करके उनके खेतों में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अच्छा। पार्किंग हमारी जो है मेन रोड पे मतलब मेन मंदिर गेट से हाईवे की तरफ दो पार्किंग दिया गया है और चंदपुरवा की तरफ दो पार्किंग दी गई है, मंदिर के पीछे हमने दो पार्किंग दिया है। ज्यादातर किस गाड़ियों से लोग आते हैं यहाँ पर, भक्त आते हैं? ज्यादातर लोग जो है गांव के ई रिक्शा ट्रैक्टर टेम्पो इसी से आते हैं। ट्रैक्टर में आने में इस समय जो यूपी सरकार की नीतियां है उसमें चालान वगैरह हो रहे हैं, तो उसके लिए ऐसा इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, व्यापक स्तर पर जागरूक किया जा रहा है और उनको इस बात के लिए समझाया जा रहा है कि ट्रैक्टर से यात्रा न करें। तो मुझे लगता है कि अब ये ब्लॉक काफी बड़ा हो रहा है, तो अब चलते हैं बाहर मेला परिसर, वो थोड़ा सा दिखाते हैं, और मेला तो नहीं लगा होगा लेकिन मेले की दुकानें लग गई हैं तो वो दिखाते हैं और कैसा गांव का मेला होता है वो आपको दिखाते हैं और इसके बाद इस ब्लॉग को यहां पर एंड करेंगे। बढ़िया है, अब लगभग हो गया एक घंटे का काम और रहेगा आपका? अच्छा, ये मंदिर के सामने जो मैदान है वहां पर मेला लगा हुआ है, तो अंधेरा बहुत है, मुझे नहीं लगता ये कुछ दिख पाएगा, फिर भी चलते हैं और यहाँ से दुकानें लगनी शुरू हो जाती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा समझ में तो नहीं आएगा और अंधेरा है। प्रसाद की दुकानें ही सब अभी से लग गई, कल ओपनिंग होगी इनकी और यहीं से प्रसाद लोग श्रद्धालु आएंगे और प्रसाद लेके जाएंगे। यहाँ से प्रसाद लेंगे और गुटखा और सिगरेट तम्बाकू कहाँ से लेंगे? वहाँ से, सामने की दुकान है। तो तुम्हारी कौन सी पसंदीदा दुकान है, ये वाली या वो वाली? मैं भैया ये बस प्रसाद की तरफ ही जाऊंगा क्योंकि मंदिर में आकर ये सब करना उचित नहीं है। इस बार मेला का प्रारूप भैया मुझे लग रहा है थोड़ा बड़ा भी है। एक्चुअली कोविड की वजह से कई साल से मेला नहीं लग पा रहा था ठीक से, तो 3 साल बाद इस बार मेला है, तो ऐसा माना जा रहा है कि काफ़ी भक्त जो नहीं आ पाए थे वो आए थे और वो सामने मंदिर है और यहाँ एक बड़े एरिया में बहुत दूर तक मेला लगता है, लेकिन क्योंकि अंधेरा है और यहाँ पर एक आइसक्रीम की दुकान है वहाँ पर बहुत सारी लाइट जल रही है, तो मैं आपसे यहाँ उजाले में बात कर रहा हूँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? तो रसीद कट गई आपकी मेले की? अभी कहाँ? अच्छा, हमें लग रहा लगता नहीं है। भैया बन गया खाना प्रसाद? कहाँ से आए हैं आप लोग? हम छानी से आए हैं। किस चीज़ की दुकान लगाएंगे आप? मूंगफली कट्टा। ये इतनी दुकान है, कितने रुपये रसीद लगाई इतनी दुकान का? रसीद कोई नहीं अभी कटी, अभी नहीं कटी है वो तो जिस इच्छा। अच्छा ऐसा है क्या? इच्छा। अरे वाह, धार्मिक स्थल है जो इसका जिसका अच्छा। चलिए ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसी हर जगह होना चाहिए। कई मेलों में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा परेशान करके बहुत ज़्यादा ज़्यादा लिया, ऐसा भी होता होगा। आप लोग तो मेला करते रहते हैं, ऐसा भी होता होगा? ऐसा होता है हाँ, लेकिन यहाँ इच्छा अनुसार है, पहले से कुछ नहीं है। चलिए ये सुन करके अच्छा लगा। और ये शिवलिंग, शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी और वहाँ दुर्गा माता मेरी फेवरेट प्रिय, और एक हमारी माता जी हैं। कहाँ से आई हैं माता जी? फतेहपुर जिला, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हैं। बहुत दूर से आई हैं आप? हर साल आती हैं, पहली बार आई हैं? हर साल आते हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी कोरोना काल में 2-3 साल यहाँ मेला नहीं लगा तब तो नहीं आई? तब नहीं आई हैं। अच्छा, और कितना रुपया यहाँ का रसीद कटवाया इतनी जगह का? एक भी नहीं। एक भी नहीं, कितने में तय है? नहीं एको में नहीं तय। अच्छा, कुछ नहीं, फिर सेवा है, जितना देना है दे दो, वो तुम्हारी इच्छा, मंदिर में दर्शन करने चले। चलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये मैंने 2-3 लोगों से इसलिए पूछा ताकि कंफर्म हो जाए, क्योंकि बेचारे भारी लोग होते हैं और ये इनका टिक्कड़ बन रहा है।
और यहाँ पर भी लाइट है तो यहाँ का भी वीडियो बना लेते हैं। लोडर से यहाँ पर सामान ये उतार रहे हैं और लगाते भी जा रहे हैं। क्रॉकरी की शॉप है और काफ़ी ज़्यादा सामान है इसमें, और इस बार उम्मीद भी है कि भक्त भी काफ़ी आएंगे। कहाँ से हैं भैया आप लोग? भरुआ के? अच्छा, कहाँ दुकान है भरुआ में आपकी? भरुआ में दुकान नहीं, घर पे ही दुकान है। अच्छा, देखो लकी का दोस्त मिल गया, कैसे जानते हो इसको? ये पहले सब्जी की दुकान लगाते थे और फिर कॉस्मेटिक के मेले वगैरह भी करते हैं। बस भैया जी के साथ आए थे, अमित भैया के साथ। लकी जहाँ जाता है वहाँ लकी के चाइने वाले लोग मिलते चले जाते हैं। और ये लाइट थी यहाँ पर, तो हमने कहा यहाँ पर भी दिखाते हैं थोड़ा सा। और इस तरह से ये बच्चों का खिलौने की दुकान है। और अगर कबीर ये वीडियो देखेगा तो कहेगा पापा मुझे इसी शॉप पे चलना है, हालांकि उसकी तबीयत खराब है तो कल उसको लेकर के नहीं आएंगे। अब चलते हैं, मेला लगभग हो गया, मतलब है तो बहुत बड़ा लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको दिखा दिया जहाँ जहाँ लाइट जल रही है। और अब चलते हैं भंडार में, क्योंकि बाबा जी ने कहा है कि प्रसाद पा करके जाना, तो डिनर प्रसाद हम यहाँ लेते हैं। और ये देखिए शिव कुमार जी को देखिए, स्कूल नहीं जाते तुम? क्यों नहीं जाते स्कूल? हाँ, कभी गए हो स्कूल? कभी नहीं गए? कहाँ के रहने वाले हो? झांसी के? क्यों भाई, स्कूल क्यों नहीं भेजा इसको तुमने? इसके माँ बाप नहीं भेजते, पानी में लगे रहते। मन नहीं करता तुम्हारा स्कूल जाने का? नहीं करता बेटा, बहुत गलत कर रहा है। और अब हम यहाँ आए हैं तो 8:30 बज गया है और प्रसादम यहाँ चल रहा है संतों का। ये देखिए हमारे सुमेरपुर की टीम आई है कल की तैयारियों में। तो प्रसाद में है आंवले का अचार, दो प्रकार का, एक अभी ताज़ा रखा हुआ, एक पुराना, अरहर की दाल, आलू टमाटर, बैंगन की सब्जी और टिक्कड़। तो प्रसाद पाते हैं और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। बेहद पवित्र स्थल है, कल यहाँ पर बहुत सारे तादाद में भक्त आने वाले हैं अपने आराध्य हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। हम भी कल भी आएंगे, हमने सोचा क्या तैयारियाँ चल रही हैं वो एक बार देख आते हैं, आपको भी दिखा देंगे। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, जय बजरंगबली बाबा की। Sitara, 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 Sitara